हाय फ्रेंड्स, आज नवाब ट्रैवल ब्लॉग्स आपको लेकर आया एक नया वीडियो जो कि 3 दिन 2 रात का है। वो है धर्मशाला मैक्लोडगंज। ये फेमस हिल स्टेशन आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। पठानकोट से अगर आप चाहते हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज तो 2.5 घंटे का सफ़र है। अराउंड आप 2.5 घंटे के अंदर आप पठानकोट रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से अगर आप रेलवे स्टेशन से या चंडीगढ़ से जाते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे का कम से कम आपको समय लगेगा वहाँ पहुंचने के लिए। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए आप पठानकोट उतरिए और वहाँ से बाई रोड टैक्सी करके आप धर्मशाला मैक्लोडगंज 2.5 बजे पहुँच सकते हैं। आप सुबह की कोई भी ट्रेन अगर आपकी 10-11 बजे भी आती है तो आप 1 बजे तक आप अपने होटल के अंदर चेकिंग कर जाएंगे, जैसे कि मैं ये होटल के अंदर चेकिंग कर गया हूँ। बहुत ही सुंदर होटल है, मेन धर्मशाला में है। मार्केट से मोस्टली 700-800 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। बहुत अच्छा व्यू मिलता है बालकनी से। और उसके बाद मैं निकल पड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भागसू टेम्पल है जो फेमस है। यहाँ पर लोकल मार्केट के पास ही है भागसू टेम्पल, और भागसू जो वाटरफॉल है जस्ट उसके बगल में है। यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप भागसू वाटरफॉल भी जा सकते हैं। अब मैं उसकी तरफ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मंदिर है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और आप चारों तरफ से आप देख सकते हैं। बहुत पीसफुल इलाका है। आप यहाँ पे आएंगे आपको मन की शांति मिलेगी। और मोस्टली जो भी नेचर की चीज़ें होती हैं आप देखते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और अब मैं चल पड़ा हूँ देखिए भागसू वाटरफॉल की तरफ। ये वाटरफॉल काफ़ी ऊपर चढ़ाई करके डिस्टेंस पे है। मैं लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये मोस्टली वाटरफॉल बहुत अच्छा, अगर आपको देखना है तो मोस्टली जब रेनी सीज़न या रेन वाटर वगैरह जब होता है तब ये वाटरफॉल खूब अच्छे पानी से आपको भरा हुआ दिखाई देगा ऊपर से गिरता हुआ। अदरवाइज़ क्योंकि मैं मोस्टली मार्च में गया था और मार्च में मोस्टली पानी ज़्यादा नहीं था, बस एक टूरिस्ट प्लेस होने के नाते मैंने कहा चलिए इसको देखते हैं और थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। तो 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर आप चल के आप देख सकते हैं सामने ये वाटरफॉल है जो मोस्टली आपको पानी से भरा हुआ मिलेगा अगर विंटर सीज़न में आते हैं। आप धर्मशाला मैक्लोडगंज अगर आते हैं तो आप कोशिश करिए कि मार्च से लेकर जून के बीच में आएँ, तब यहाँ का एटमोसफियर बहुत अच्छा तो होता है घूमने के लिए। सर्दियों में आएंगे तब भी अच्छा है, लेकिन बरसात में मोस्टली रेन ज़्यादा होती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, देखिए ये सेंट जॉन चर्च है जो मोस्टली 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है मेन धर्मशाला से। ये सेंट जॉन चर्च जो है ये 1852 में बनाया गया था और ये ब्रिटिश ट्रूप्स जो यहाँ पे रहते थे उनकी वर्शिप के लिए ये सेंट जॉन चर्च बनाया गया था। और सेंट जॉन जो बैप्टिस्ट थे उनकी याद में इसको 1852 में ये बनाया गया था। बहुत ही अच्छा है, अगर आप देखेंगे तो आपको एक इतना अच्छा एहसास होगा, लगेगा आप किसी कॉलोनियल पीरियड में या फिर किसी ब्रिटिश पीरियड में आ गए हैं। आपको उसका लुक बिल्कुल वैसा ही के वैसा दिखाई देगा। मैं आपको यह चीज़ें इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैं जब देखने निकलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सब भी ये सब चीज़ें आप देखें और वो भी अपना प्लान करें और आकर देखें कि हमारे नेचर ने कितना कुछ छोड़ रखा है हमें देखने के लिए जिसको हम मोस्टली देख नहीं पाते हैं। तो कभी भी प्लान करें तो इन सब जगहों को ज़रूर प्लान करें, इसीलिए मैं आपको ये सब वीडियो डालता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नवाब ट्रैवल ब्लॉग को, जिससे मैं आपको और भी इसी तरह के चैनल लगातार डालता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ, जिससे कि आपको भी एक गाइडेंस मिल सके कि आपको कहाँ घूमने निकलना है। देखिए ये चर्च है, बिल्कुल ब्रिटिश काल के समय का बनाया हुआ आपको प्रतीत साफ साफ दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, सेल्फीज ले सकते हैं और अपना इंजॉय कर सकते हैं। ये ज़्यादा दूर भी नहीं है मेन धर्मशाला से, ये नड्डी विलेज की तरफ हम लोग जब जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है। और नड्डी विलेज और नड्डी पॉइंट भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे सनसेट देखने के लिए लोग जाते हैं, तो मैं भी वहाँ भी आपको ले चलूँगा। अभी देख सकते हैं उनकी याद में इसको बनाया गया है और बहुत ही अच्छा है। मैं तो यहाँ पे मन कर रहा था यहाँ पे थोड़ी देर और रुकूं, लेकिन क्योंकि मुझे और भी अपने स्पॉट्स कवर करने थे इसलिए मैंने इसको आधे घंटे से लेकर एक घंटे के बीच में फटाफट इसको देखकर मैं यहाँ से आगे के लिए बढ़ता। देखिए बिल्ट इन 1852 लिखा हुआ है, ये इसका मेन डोर है। ये मेन रोड है नड्डी विलेज, जो धर्मशाला से नड्डी विलेज की तरफ जाती है। बहुत अच्छी साफ सुथरी रोड है और हम चल तक पड़े हैं। अब देखिए ये मैं नड्डी पॉइंट सनसेट पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा, यहाँ की छत पर बैठ के अच्छी तरह से सनसेट पॉइंट देखा जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी मैगी और अपना कुछ भी अपना स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से आपको बैठ के सनसेट का मज़ा देखने को मिलेगा और आप चारों तरफ देख सकते हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी हैं, चुनाव बिल्कुल आपके फोटोग्राफ्स के लिए आइडियल पॉइंट है। पीछे होटल्स भी बने हुए हैं, आप चाहें यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मेन सेंटर से मेन धर्मशाला से थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए लोग यहाँ पे मोस्टली सनसेट वगैरह देखने आते हैं। और यहाँ सनसेट देखकर वापस मेन धर्मशाला चले जाते हैं। धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका सबब जो है वो मेथोडगंज कहलाता है, जो कि दलाई लामा की वजह से बहुत फेमस है। तिब्बतन मॉनेस्ट्री है, आप यहाँ आएंगे तो हर चीज़ को देखने को आपको मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये सब वीडियोस दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें बीच में मिस कर जाता हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत बड़ा नहीं बना सकता वीडियो, जिससे कि आपको बहुत ही लंबा लगे। अब देखिए मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये डल लेक है। जब आप वापस नड्डी विलेज से वापस आएंगे तो आपको रास्ते में नड्डी विलेज की रोड पे ही पीछे आप जब वापस धर्मशाला की तरफ चलेंगे तो रास्ते में डल लेक मिलेगी। यहाँ पे आप रुक के अपनी गाड़ी किनारे खड़ी कर इसका भी आप मजा ले सकते हैं। चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ ये डल लेक है, इसके उस तरफ जो रोड बनी हुई है उस पर मोस्टली लोग वॉक करते हैं और अपना जॉगिंग या वॉक वगैरह करके अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। देखिए लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, ये वही रोड है यहाँ से मैं आया हूँ और इधर की तरफ धर्मशाला की तरफ जा रहा हूँ। सामने श्री दिव्येश्वर महादेव डल लेक धर्मशाला मंदिर है, तो कैसा बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है आपको यहाँ का। देखिए आप अपनी सेल्फी वगैरह लीजिए। ये मेरा पहले दिन का टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिस दिन मैं आया था उस दिन मैं लोकल भी ये देखने के लिए निकला था। लोकल में मैंने आपको वापसी टेम्पल, वापसी वाटरफॉल, सेंट जॉन चर्च, नड्डी सनसेट पॉइंट, डल लेक, उसके बाद मैं मार्केट ले चलूँगा। मार्केट आप लोकल मार्केट शाम को कीजिएगा, शॉपिंग कीजिएगा और अपना पहले दिन का टूर पूरा कीजिएगा। बहुत ही अच्छा, अब आप देखने जा रहे हैं ये यहाँ का मार्केट है धर्मशाला का।
यहाँ की माल रोड है पीछे, यहाँ आके इंजॉय कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ अपने जानने वालों के लिए, कुछ अपने रिलेटिव के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए यहाँ पे कुछ खरीद के ले जा सकते हैं। जो कि मोस्टली आपको हिल स्टेशन वगैरह पे दिखाई देता है। यहीं पे एक तिब्बतन टेंपल भी है, वो भी आप पे देखने को मिलेगा। इसको घुमा के आप अपनी मांग अपनी जो वर्शिप है विश है वो पूछते हैं, बोलते हैं और ऊपर वाले से उसको पूरा होने की तमन्ना रखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में ही था मंदिर, वो लेफ्ट साइड में। अब मोस्टली शाम हो गई है, लोग अपना शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं और जो शॉपिंग कर चुके हैं अपने बस अपने होटल जा रहे हैं। ये पहले दिन का टूर का प्रोग्राम था, इसके बाद आप अपना रात भर आराम कीजिए और फिर हम फ्रेश होकर सुबह दूसरे दिन की यात्रा के लिए निकलेंगे जो थोड़ी हमारी लंबी होगी। हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी तक जाएंगे, ज्वालामुखी मंदिर है। रास्ते में हम पालमपुर, टी गार्डन्स, शक्तिपीठ, ब्रजेश्वरी, अपना धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड और आपका दौलादर जो नेचर है, जो जू है और अपना मिलिट्री पार्क, उसको भी कवर करेंगे जो हमारे कल के पैकेज में शामिल होगा। मोस्टली मैंने थर्ड डे इसलिए रखा है, थर्ड डे में आप सुबह चेकआउट करके 11-12 बजे निकल के आप जहाँ भी डेस्टिनेशन है आपका टैक्सी वाला आपको पहुँचा देगा, इसलिए आपको थर्ड डे मोस्टली आपको अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए दिया गया है। जी मैं अपने होटल आ गया हूँ, यहाँ पे बैठ के मैंने अपना डिनर वगैरह करके आज के यादों को समेटते हुए और रिफ्रेश होकर सुबह निकलने के लिए अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा हूँ आज की। अब हम सुबह निकल पड़े हैं, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले हम धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड देखेंगे जो 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था और 2013 में पहला इंटरनेशनल मैच यहाँ पे खेला गया था। उससे पहले मोस्टली यहाँ पे रणजी ट्रॉफी और आईपीएल के मैचेस होते थे। 2013 से इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं और ये वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वर्ल्ड का, इतनी ऊंचाई पे बना हुआ। ये मैं आपको भी अंदर से दिखाता हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा गोल्ड है, आप देख सकते हैं बाहर से मोस्टली सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अलग अलग गेट बने हुए हैं, क्रिकेटर्स के लिए अलग गेट से एंट्री है, विजिटर्स के लिए अलग है, स्पेक्टेटर्स के लिए अलग है। उसकी एंट्री टिकट भी ज़्यादा नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए अंदर से फ्लड लाइट वगैरह लगी हुई है और कलरफुल कितनी यहाँ की सीट्स हैं, आप अंदर आके
देख सकते हैं कितना पीछे अच्छा व्यू मिलता है स्नो कवर्ड माउंटेंस का। बीच में एक लोकल मैच चल रहा है। फ्लड लाइट चारों तरफ हैं। अंदर आप बैठ के थोड़ी देर इसका एंजॉय कर सकते हैं और एक उसका अनुभव कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बैठ के मैच दिखाई देता हो। सभी लोग फोटोज पिक्स सेल्फीज ले रहे हैं। इसका मेन जो अट्रैक्शन है वो ये माउंटेन्स हैं पीछे। जब आप मैच देखते हैं तो पीछे के यही माउंटेन्स आपको टीवी पे दिखाई देते हैं, जो लगता है कि हम कहां पर ये मैच देख रहे हैं। इसी को देखने के लिए ही मैं मोस्टली धर्मशाला आया था। आप भी आइए और इसको देखिए। अगर कोई अच्छा लक है आपका तो हो सकता है कोई मैच भी उस समय यहाँ पे हो रहा हो। क्रिकेट बोर्ड है, देखिए इस पे आपका स्कोर बोर्ड बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जो आप टीवी पे देखते हैं और जब मैच में मैदान में बैठ के देखते हैं तो आपको उसको फ़र्क महसूस होता है कि आप बिल्कुल उसको बिल्कुल पास से देखते हैं। देखिए ये दौलादर नेचर पार्क है, इसके अंदर जू था और उसके आगे बढ़ने पर हमें ये पालमपुर के टी गार्डन्स दिखाई दिए, जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी वॉक करके देखा कि अंदर टी गार्डन कैसा दिखाई देता है। चारों तरफ टी गार्डन्स ही टी गार्डन्स हैं। यहाँ पे आपको उसका जो अलग अलग तरह की टीज़ हैं वो भी आपको यहाँ से बाय करने को मिलेंगी, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ की चाय पत्ती बहुत ही अच्छी मुझे मिली। मुझे चाय पत्ती इतनी अच्छी मुन्नार वगैरह की नहीं दिखाई दी जितनी मुझे पालमपुर की दिखाई दी और ऊटी की दिखाई दी। और वेस्ट बंगाल की तो आप अलग ही बात है उसकी। तो आप यहाँ की टी ले जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल टी गार्डन्स के अंदर से ख़रीद के ले गए हैं। यहाँ पे शॉप्स लगी होती हैं सड़क के किनारे ही, यहाँ पे टी गार्डन्स हैं, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं।